नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। कुलगाम में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के एक आतंकी को मार गिराया। एनकाउंटर साइट पर फंसे स्कूली बच्चों समेत 60 को सुरक्षित निकाला। हैदराबाद पुलिस ने आयोजित किया जॉब मेला, 400 महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद। ममता बनर्जी की तुलना दुर्गा से करने वाले गोवा के पूर्व भाजपा विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। जम्मू से पुंछ जाना जल्द होगा और भी आसान। अखनूर पुंछ मार्ग के निर्माण के लिए 441 करोड़ रुपए की राशि मंजूर। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव का बड़ा ऐलान, 750 मृत किसानों के परिवारों को देंगे 3-3 लाख रुपए। पीएम नरेंद्र मोदी ऑल इंडिया डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल, देश की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी समेत 3 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट, 25 नवंबर को होगी सुनवाई। कांग्रेस की बागी विधायक अतिथि सिंह का प्रियंका वाड्रा पर तंज, कहा अब उनके पास राजनीति के लिए मुद्दे नहीं बचे। कृषि कानूनों की वापसी के मौलाना अरशद मदनी ने बताया किसानों की जीत, इसी तरह सीए भी हो समाप्त। सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को भेजा पत्र, कहा एमएसपी और अन्य मुद्दों पर ही तत्काल निर्णय। यूएई ने काबुल में फिर से खोला अपना दूतावास, तालिबान के प्रवक्ता ने बताया सकारात्मक कदम। ऑस्ट्रिया में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, दफ्तरों में भी जमकर तोड़फोड़। तालिबान की तरफ झुका ब्रिटेन, पीएम ने कहा उसके सहयोग के बिना कुछ मुमकिन नहीं, ना कोई विकल्प। कोसोवो में फंसे कुछ अफगान नागरिकों को लौटाएगा अमेरिका, तालिबान के काबिज होते ही छोड़ा था काबुल। टीटीपी के साथ इमरान खान की पार्टी की वार्ता को लेकर सिंध असेंबली ने जताई आपत्ति। महेंद्र सिंह धोनी ने किया प्रॉमिस और कहा उम्मीद है अंतिम T20 मैच चेन्नई में ही खेलूंगा। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा भारत में खेला जाएगा आईपीएल 2022। इंग्लिश क्रिकेटर पर लगा टीनेज लड़की को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। बांग्लादेशी हुसैन से खाया छक्का तो शाहीन अफरीदी ने शर्मनाक हरकत, मांगने माफी पहुंचे, वायरल हुआ ये वीडियो। चीनी सरकार के मुखपत्र का दावा, पेंग शुआई सुरक्षित, जल्द आएंगी लोगों के सामने। आमिर करीना की लाल सिंह चड्ढा बैसाखी पर होगी रिलीज, करीना कपूर खान ने फिल्म से अपना और आमिर खान एक नया पोस्टर शेयर कर दी ये जानकारी। सलमान की अंतिम का नया गाना कोई तो आएगा हुआ रिलीज, सलमान खान ने खुद भी इस गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर फैंस के साथ किया शेयर। राजकुमार सानिया के हिट द फर्स्ट केस 20 मई 2022 को आएगी। सानिया मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर राजकुमार और फिल्म की टीम के साथ की अपनी एक फोटो शेयर कर दी ये जानकारी। वरुण कियारा स्टारर जुग जुग जियो 24 जून 2022 को होगी रिलीज, इस फिल्म को करण जौहर ने किया है प्रोड्यूस। कंगना
के खिलाफ शिकायत। एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तान आतंकवादी। दिल्ली में देशद्रोह का शिकायत दर्ज। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।